नमस्कार, आप सभी का स्वागत है पुजारा किचन में। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पकोड़े चाट। पकोड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, पर आप इस तरीके से एक बार बना के ज़रूर खाएं, बहुत ही अच्छी लगती है। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। चलिए बनाते हैं। एक बाउल लेंगे और इसमें डालेंगे ठंडा पानी। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच चाट मसाला, एक चम्मच काला नमक, अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चीनी, इमली का पल्प डालेंगे यहाँ पे, और हरी तीखी चटनी डालेंगे एक चम्मच, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब इसे साइड में रखते हैं। एक बाउल में एक कप बेसन लेंगे और इसमें डालेंगे नमक, हल्दी एक छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर एक छोटी चम्मच, इसे मिला लेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अब जब भी बेसन का घोल बनाएं तो आप पानी उसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें थोड़ा पानी और डालेंगे और इसे 5 मिनट तक फेंटना है, एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटें। अब इसमें डालेंगे एक पिंच मीठा सोडा और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये पूरे में मिल जाए। अब आप देख सकते हैं बेसन का घोल पूरा हल्का हो गया है और कलर भी चेंज हो गया। अब इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पानी में ऊपर में तैर रहा है, इसका मतलब इसका बैटर तैयार है। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रख दिए हैं। यहाँ पे गैस का फ्लेम हाई रखेंगे। अब इसमें पकोड़े डालेंगे। तो यहाँ पे मैं पकोड़ों का साइज छोटा ही रख रही हूँ। अब गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे और सारा पकौड़ा इसमें डाल लेंगे और इसे उल्टा पुल्टा के पका लेंगे। अब इसे निकाल लेते हैं, ये फ्राई हो चुका है। सारा पकौड़ा इसी तरह तल लेंगे। अब इसे हम पानी में डालेंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल पानी ले रहे हैं और इसे हल्के हाथ से दबा के, पानी में ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। अब जो हम पानी तैयार करके रखें उसमें डालेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डालेंगे। प्याज डालने से देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में। अब इसे सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना यम्मी बना है। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। तो आप एक बार ज़रूर इसे ट्राई करें। अब चलिए दूसरा तरीका बताते हैं। एक प्लेट में पकोड़े रखेंगे। अब इसके ऊपर दही डालेंगे। तो दही को यहाँ मैंने अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके ऊपर डालेंगे। अब डालेंगे इमली की चटनी, तीखी चटनी, काला नमक, चाट मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो आप देख सकते हैं कितना अम्मी लग रहा है।
तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।